प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल जनमानस क्लासेज में। आज आपको जो है इस वीडियो में सभी धर्मों का डिस्कशन होगा, जैसे सैव धर्म, वैष्णव धर्म, उसके बाद जो है ईसाई धर्म, यानी जितने धर्म होते हैं सभी धर्मों को इसको इसमें डिस्कस किया जाएगा। प्यारे साथियों, ये लूसेंट की पुस्तक से लिया गया है और आपको पता है लूसेंट से लगभग कोई भी परीक्षा में आप बैठते होंगे, लगभग 70 से 75% क्वेश्चन लूसेंट से ही मिलते हैं। 30% क्वेश्चन, और आप जान लीजिए कट ऑफ भी बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, 70 से 75% या बहुत ज़्यादा तो 80% ही जाता है। तो दो चार तो आप इधर उधर से आदि कर पढ़ते ही होंगे, आशा करता हूँ। तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। सैव धर्म, भगवान शिव की पूजा करने वाले को सैव एवं शिव से सर्वाधिक धर्म को सैव धर्म कहा जाता है। संबंधित धर्म को क्या कहा जाता है? सैव धर्म कहा जाता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक जो है पुरातात्विक साक्ष हड़प्पा संस्कृति के अवशेष, मतलब शिवलिंग का पूजा का प्रारंभ कब हुआ था, तो कहा जाता है हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से ही पता चला था। अब बात करते हैं ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख हुआ है ऋग्वेद में। अब अथर्ववेद में जो है अथर्ववेद में शिव को भय, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। देखिए भय, भव, सर्व और भूपति के नाम से किसे जाना गया, तो आप बताओ शिव को। अब बातें लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किसमें किया गया, मत्स्य पुराण में जो है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन किया गया है। अब बात करें महाभारत के अनुशासन पर्व में भी जो है लिंग पूजा का उल्लेख किस पर्व में, महाभारत के तो बताओ अनुशासन पर्व में है, और वहीं पर स्पष्ट वर्णन कहाँ पर मिलता है, तो मत्स्य पुराण में, और पहली बार वैसे कहाँ पर, तो आप बताओ हड़प्पा संस्कृति में मिलता है। अब देखिए कुछ संप्रदाय हम देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे, मक्खली पुत्र गोसाल थे, घोर अक्रियावादी कौन थे, पूरण कश्यप थे, यदृच्छावादी आचार्य अजित थे, और भौतिकवादी के कौन थे, पकुद कच्चायन थे, यानी भौतिक दर्शन के थे, अनिश्चयवादी के संचय विठल पुत्र थे। आज तक ज़्यादा से ज़्यादा जो है आजीवक संप्रदाय ही पूछा गया, और ये सब बहुत पूछे ही नहीं गए कभी, लेकिन तभी एक बार आप ध्यान जरूर दें, क्या पता कौन सा क्वेश्चन कब किस परीक्षा में आ जाए। नेक्स्ट, रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती जो है का नाम जो है तैत्रीयारण्यक में मिलता है। रुद्र मतलब होता है शिव के पत्नी के रूप में तैत्रीयारण्यक में जो है इसका उल्लेख मिलता है। शिव की पत्नी को सौम्य रूप है, पद्मा, परमावती, उमा, गौरी, ये जो है इनका सौम्य रूप है। भैरवी, देखिए सबका नाम आदर कर, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी, भैरवी के नाम से। वामन पुराण में सैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। कौन कौन से, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत। देखिए किस में, वामन पुराण में कौन सा, पाशुपत, कापालिक, कालामुख और लिंगायत, चारों का नाम आपको याद रखना है। कभी इनमें से कौन सा सैव संप्रदाय नहीं है तो आपको बताना होगा, जब पता रहेगा तभी आप बता पाओगे। पाशुपत संप्रदाय सैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। इसके संस्थापक लकुलीश थे, जिन्हें भगवान के 18 अवतारों में से एक माना। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा जाता था। क्या, पासे पंचार्थिक कहा जाता था, इजीली को रिलेट कर सकते हैं आप कहीं ना कहीं अक्षरों से। इनका मत सैद्धांतिक ग्रंथ पाशुपत सूत्र था। पाशुपत सूत्र कैसे संबंधित, आप बताओगे सैव धर्म से। श्री शंकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे, शंकर पंडित पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे, कौन थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान है, कौन, श्री शैल नामक स्थान है इसका जो है संप्रदाय का प्रमुख। अब बात करते हैं कालामुख संप्रदाय, पाशुपत हमने पढ़ लिया। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधर कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग नर कंकाल जो है में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे। किसमें, नर कंकाल में, कौन से कालामुख वाले, नर कंकाल में ही भोजन, जल और सुरापान करते थे। अब बात करते हैं, और साथ ही अपने शरीर पर चिता का भस्म कौन लगाते थे, तो बताओ कालामुख ही लगाते थे, जिसे भगवान शिव लगाते थे। लिंगायत संप्रदाय के दक्षिण में प्रचलित था, इन्हें जंगम भी कहा जाता था। लिंगायत को क्या कहा जाता था, जंगम कहा जाता था, और लोग शिवलिंग की उपासना कौन करते थे, लिंगायत वाले ही करते थे। शून्य संपादने लिंगायत का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ था। शून्य संपादने किस संप्रदाय से रिलेटेड था, आप बताओगे, ये लिंगायत संप्रदाय संबंधित था। वसव पुराण में लिंगायत
संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु ने, वसो पुराण में लिंगायत के प्रवर्तक कौन है, अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासो को बताया गया है। इस संप्रदाय के वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, इस संप्रदाय को लिंगायत को वीर शिव जो है संप्रदाय भी कहा जाता था। एक चीज़, इस वीडियो को आपको दो बार जरूर देखें, आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देख लेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। वासो और उनका भतीजा चन्ना वासो कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहते थे। जैनों के साथ कठिन संघर्ष के उपरांत उन्होंने अपने मत की स्थापना की। उन्होंने जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया और उपवास, प्रतिभोज और तीर्थ यात्रा बलि प्रथा को अस्वीकार किया। बाल विवाह का विरोध किया और विधवा विवाह की अनुमति भी दी गई वासो में। ये चीज़ें आपको एक एक चीज़ में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको जरूर याद करके रखना प्यारे साथियों। अब 12वीं शताब्दी में जो है कुलोत्तुंग सेकंड ने शासनकाल में सेक्किलहार द्वारा लिखित तिरुंदुपुर पुराणम जैसे थिरुथोंडा थोड़ई के नाम से जाना जाता है, तमिल के पांचवें वेद के रूप में माना जाता है। तमिल का पांचवें वेद जो तिरुंदर पुराणम को माना जाता है। अब इस बात की गई है, इसमें शैव परंपरा के 12वीं पुस्तक भी है। यह भगवान शिव के पूजा के लिए समर्पित एक भक्ति पाठ है। इसे तमिल शैववाद में महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। यह पाठ तमिलनाडु में भगवान शिव के भक्तों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा और सुनाया जाता है। यह तमिलनाडु में प्रचलित है। तमिलनाडु में शैव परंपरा के अनुयायियों के लिए आध्यात्मिक ज्ञान के एक विशेष महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तमिल शैववाद के विविध कवियों 63 नयनारों की कहानियाँ बताता है। अब देखिए, यहाँ पर 10वीं शताब्दी मतेश्वर नंद ने जो है नाथ संप्रदाय की स्थापना की। अब यहीं पर देखिए, नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने किया था तो बताओगे मत्स्येंद्रनाथ ने किया था। इस संप्रदाय का व्यापक प्रचार बाबा जो है गोरखनाथ के समय हुआ। गोरखनाथ का सभी लोग वीडियो देखे होंगे। गोरखनाथ के वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेषाधिकारों की आलोचना की। उनके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा गया जाता था। इसकी सदस्यता बिना जाति भेदभाव सबके लिए खुली थी। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य के राष्ट्रकूट एवं पल्लव चोल आल लोकप्रिय था। ये सब चीज़ अब देखिए, इसमें पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नयनारों द्वारा किया गया। नयनारों के संतों की संख्या कितनी थी, 63 बताई गई, जिनमें से अपार, त्रिज्ञान, समंदर, सुंदर मूर्ति आदि जो है उल्लेखनीय है। अब पशुपतनाथ मंदिर के बारे में जान लेते हैं। पशुपतनाथ मंदिर जो है नेपाल की राजधानी काठमांडू में से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम बागमती नदी किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक शिव मंदिर है। नेपाल में धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। इस मंदिर के परिसर को सन 1799 को विश्व संस्कृति के स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। मुख्य मंदिर का निर्माण वास्तुकला नेपाली पैगोडा शैली में हुआ है। पशुपत मंदिर आप बताएंगे कहाँ पर, तो बताओ नेपाल में है। अब यहाँ पर देखिए, इलोरा किस लिए प्रसिद्ध है, आप बताओ कैलाश मंदिर के लिए। काल एरोला का निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूटों ने करवाया था, एरा। अभी चीज़ें बने रहे प्यारे साथियों, बहुत सी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। वैष्णव संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, आपको इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबी होगी लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन से भरा होगा प्यारे साथियों। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना गया था। बृहदेश्वर का निर्माण किसने किया, तो राजाराज प्रथम ने किया था, ये चोल शासक थे। अब वहीं पर देखिए, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव तथा नंदी की एक साथ अंकन का प्राप्त होता है। कुषाण शासकों में शिव अद्वैत विचारधारा के प्रमुख प्रवर्तक श्रीकांत जो है शिवाचार्य थे। इनके अनुसार शिव और ब्रह्म एक समान होते, अद्वैत शिव और जो है ब्रह्म एक समान है, ये बात कहा गया है इसमें। अब बात करते हैं वैष्णव धर्म के बारे में। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषद से मिलती है। इसका विकास जो है भगवत धर्म में हुआ था। देखिए, वैष्णव धर्म बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है। नारायण के पूजक मूलतः जो है पंचरात्र कहे जाते थे। नारायण के पूजक क्या कहलाते, पंचरात्र कहलाते थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे, तो बताओ भगवान श्री कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान कहाँ था, मथुरा था। सभी लोग इनसे परिचित होंगे। अब बात करते हैं, सर्वप्रथम कृष्ण का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में है। देवकी पुत्र और अंगिरस के शिष्य के रूप में जाना जाता है किसे, भगवान कृष्ण को। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक अभिलेख जो है बेसनगर स्तंभ
अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट है विष्णु के 10 अवतारों के उल्लेख में मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु का 10 अवतार किसमें? मत्स्य पुराण में मिलता है। देखिए आप देखिए सभी अवतारों को हम देख रहे थे, पहला था मत्स्य, दूसरा था कुर्म, तीसरा बाराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, छठा जो परशुराम, फिर राम, फिर बलराम और उसके बाद में बुद्ध और कल्कि। ये जो है इनका 10 अवतार है। गुप्त काल में विष्णु का जो है 12 अवतार सर्वाधिक प्रसिद्ध हुआ। 12 अवतार किसमें? गुप्त काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध था। 10 अवतार को आपको ध्यान रखना प्यार साथ। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया। भक्ति आप बात करते हैं भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियाँ थी, तो 6 तीलियाँ थी सुदर्शन चक्र में। अब देखिए यहाँ पर कुछ मत हैं और उसके आचार्य के बारे में जान लेते हैं। वैष्णव मत में विशिष्ट द्वैता दो और इसके आचार्य कौन थे? रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय के द्वैतवाद द्वैत पे दो आत्मा और ब्रह्म दोनों को ये अलग अलग मानते थे। आनंद तीर्थ था। रुद्र संप्रदाय के शुद्ध द्वैता दो बल्लभाचार्य थे। शुद्ध द्वैत के आप देखो बल होगा, शुद्ध खाओगे तो बल होगा, तो बल्लभाचार्य याद कर लीजिए। द्वैता दो सनक संप्रदाय के कौन थे? निम्बकाचार्य, क्या जिसे दे दो नींबू का आचार, नींबू का दे दो नींबू का आचार, तो निम्बकाचार्य क्या हो जाएगा? द्वैतवाद के संप्रदाय। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों अंग है। आप बात करते प्रमुख संप्रदाय संस्थापक और उनके पुस्तक जो थी उनसे रिलेटेड चीज़ें। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव रामानुज थे, इनकी संबंधित पुस्तक ब्रह्मसूत्र थी। परमार्थ जो है इसके संस्थापक रामनाथ थे। दास बोध की पुस्तक थी, राम भक्त रामानंद और अध्यात्म रामायण की जो है पुस्तक थी। अब बात करते हैं अंकोर वाट मंदिर के बारे में। ये कहाँ? कंबोडिया में है। इस कंबोज भी कहते हैं, राजा सूर्य वर्मा सेकेंड 1113 यानी 1150 ईस्वी में बनवाया था। इस मंदिर का लगभग 10.5 फीट ऊंची भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित है। अंकोर वाट में सबसे बड़ा मंदिर है अंकोर वाट वाला मंदिर। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। एक एक चीज़ें आपको इसमें मिलने वाली पैसा, अभी ईसाई धर्म के बारे में भी जानेंगे इस्लाम धर्म के बाद। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब थे और इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो मक्का में हुआ था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम क्या था? अमीना था। और उनका पालन पोषण उनके जो है चाचा जो है अबू तालिब ने किया था, पालन पोषण अबू तालिब ने। हजरत मोहम्मद साहब 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान प्राप्त किया था। अब बात करते 24 सितंबर 622 में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत हिजरी संवत के नाम से जाना गया। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा से हुई। किससे? इनकी किससे हुई? 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक एक विधवा से हुई और उनकी पुत्री का नाम फातिमा और उनके दामाद का नाम क्या हुआ? अली हुआ। आप समझ गए फातिमा और अली क्यों लगाया जाता है। उनके पुत्री का नाम था फातिमा, इसलिए सभी लड़कियां देखो फातिमा जरूर आती है, फातिमा नकवी फलाना ढकाना जो है, और अली लोग जो बहुत लगाते हैं, तो अली उनके जो है दामाद का नाम था। मगर अब इतनी इन्फॉर्मेशन अब देखते हैं, यहाँ पर आगे बात होती है। देवदूत जिब्रेल ने पैगंबर को मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित किया। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ था। यह पवित्र ग्रंथ 114 अध्याय में बटी हुई, इसमें 6360 पद हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून जो है 632 ईस्वी में हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया। कहाँ पर? इन्हें मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी और सिया नामक जो है दो पंथों में बट गया। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का विवरण करते थे। सुन्ना पर विश्वास करते थे, सुन्ना मतलब उनके कथनों और कार्यों पर विवरण पर विश्वास करते थे। जबकि सिया जो होते थे उनके उनकी शिक्षाओं में विश्वास करते थे तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्याय सम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अब बात करते हैं अली की 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या जो है 680 में करबला इराक नामक स्थान पर कर दी गई थी। इन दोनों हत्या में सिया को निश्चित मत के रूप में
रूप दे दिया। अब वही पर्वत पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, जो इनके उत्तराधिकारी थे, क्या कहलाए? खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसे समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब के पैगंबर जन्म दिन पर ईद मिलाद उन नबी के पर्व मनाया गया। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। कब 712 में सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत में इसी भाग को इस्लाम का धर्म मना था। अब बात करते हैं, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है और मक्का की ओर को दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की ओर करके नमाज पढ़ते हैं, मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। अब हम ईसाई धर्म के बारे में डिस्कस करने वाले, बने रहे प्यारे साथियों, आपको ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे। वह प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है उनका। ईसा मसीह का जन्म उनका निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ। ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता। देखिए, क्रिसमस क्यों मनाते? जिस दिन ईसा मसीह जन्म हुआ था। ईसा के माता का नाम ईसा मेरी था और पिता का नाम जोसेफ था। ईसा ने अपने जीवन का के प्रथम 30 वर्ष तक बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट जात रहते इज़राइल में बिताए थे। अब बात करते हैं, ईसा मसीह का प्रथम दो शिष्य कौन थे? एंड्रयू और पीटर थे। पर एंड्रयू तथा पीटर इनके प्रथम शिष्य थे। ईसा मसीह सूली पर रोगन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। सूली पर किसने चढ़ाया था? रोमन गवर्नर पोंटियस ने जो उसको चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में सूली पर चढ़ाया गया था। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह क्या था, आप बताएंगे? क्रॉस था। ईसाई त्रित्व में विश्वास करते थे, ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा। ये त्रित्व इनका था। जैसे वहाँ त्रिरत्न पढ़ा था आपने, वैसे यहाँ त्रित्व है। अब पर बात करते हैं, 12वीं शताब्दी में फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊँचे व हल्के चर्चों का निर्माण प्रारंभ हुआ। वास्तुकला की यह शैली गौथिक नाम से जानी जाती थी और इस वास्तुकला शैली में सर्वाधिक उदाहरणों के लिए पेरिस का नाइट्रम चर्च फेमस है इसमें। अब हम यहाँ पर बात करने वाले पारसी धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट थे। कौन थे? पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्ट थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जो है जंदवेस्ता बुक किससे संबंधित है, आप बताएं? पारसी धर्म से संबंधित है, जो पारसियों का धार्मिक ग्रंथ था। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र क्या था? सदविचार, सदवचन और सदकार्य। देखिए, एक बार में क्लियर नहीं होगा, 2 से 3 बार आप एक बार वीडियो देख लें तो किताब से रिवाइज कर लें, कैसे भी करके आप 2 से 3 बार जरूर करेंगे तभी आपको याद होंगी चीज़ें। और अनुयायी ईश्वर अहूर को मानते थे। अहूर इनको यानी ईश्वर किसको? अहूर को मानते थे। और ये अग्नि पूजक भी कहा जाता है इनको। किनको? इनको अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अब चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास, ईसाई धर्म हमने देखा, पारसी धर्म देखा। अब हम इसके बाद जो है हम मौर्य साम्राज्य देखेंगे प्यारे साथियों। तो बने रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।